हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा रिमोट है और यहाँ पे आईआर सेंसर कैसे काम करता है इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिमोट है, किसी भी यहाँ पे जो भी आईआर सेंसर है वो टीवी में भी लग टीवी होती है, इसमें लगता है, सेटअप बॉक्स में लग, कई जगह ये आईआर सेंसर यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारे वीडियो पे आपने वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा DD3D सेटअप बॉक्स का रिमोट है। जैसे यहाँ पे मैं रन करता हूँ, कोई भी स्विच यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारी LED ब्लिंक कर रही है, जैसे देख रहे हो। मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रिमोट हमारा है, जैसे रिमोट में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे LED ब्लिंक हो रही है, आप देख सकते हो। तो आप इस सर्किट कैसे काम करें, पिन कॉन्फ़िगरेशन को, उसके बारे में आप वीडियो हम बताएंगे और सर्किट आपको पूरा प्रिपरेशन करेंगे हम। तो पहले सर्किट डायग्राम हम देख लेंगे एक बार। तो मैं पहले आपको सर्किट डायग्राम के बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ पे ये सर्किट हमारी है, सर्किट हमारी कैसे काम करती है इसके बारे में हम पहले वीडियो आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा आईआर सेंसर है, ये हमारा आईआर सेंसर है, आप देख सकते हो। इसकी 3 टर्मिनल है, इसमें 3 टर्मिनल कौन कौन सी है इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड जो पिन है, ये पिन हमारी इनपुट्स पिन है, जैसे VCC, ये बीच वाली ग्राउंड है, और ये हमारे आउटपुट आउटपुट की पिन, यहाँ पे जहाँ पे किसी भी मोटर को यूज़ करना है, सेंसर आउटपुट में लेना है ऑपरेट करने के लिए, ये हमारी ये 3rd नंबर की पिन, यहाँ से गिनेंगे तो 3rd नंबर की पिन हमारी आउटपुट में होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तो ये हमारा एक सेंसर है, सेंसर में आपको यहाँ पे मैं अच्छी तरह से फोकस करता हूँ आपको दिखाने के लिए, कि जैसे आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये हमारा एक सेंसर है। यहाँ पे 3 टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल हमारा इनपुट टर्मिनल है, तो ये वाला हमारा इनपुट टर्मिनल, बीच वाला हमारा ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड टर्मिनल है, और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ऐसा ये हमारा आईआर सेंसर हर जगह टीवी में भी यूज होता है, इस सेटअप बॉक्स, इसी कोई भी कंपनी में जो रिमोट से जो यूज होता है, जैसे फ्रिज, अब फ्रिज हो जो फ्रिज ऑटोमेटिक अभी हो गया है, कि जैसे फ्रिज भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमोट्स भी ऑन होता है, जैसे AC होता है, जैसे AC में भी आप रिमोट का यूज़ होता है जैसे ऑन ऑफ करने के लिए थे, तो यहाँ पे इस रिमोट से ये हमारा देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा रिसीवर, जैसे यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होगा तो ये हमारा IR रिसीवर सेंसर है, ये हमारा यहाँ से सिग्नल को कैचअप करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिमोट भी आपके वीडियो के साथ साथ रिमोट कैसे चेक करते हो इसके बारे में वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो किसी भी रिमोट आपके पास हो, किसी को रिमोट आपको चेक करना है, तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन से आप कैमरा को ऑन करना है, जैसे कैमरे को ऑन करेंगे तो यहाँ पे इंफ्रारेड LED लगी हुई है, जैसे आपको किसी भी स्विच को यहाँ से प्रेस करेंगे यहाँ से ब्लिंकिंग होगा, आप देख सकते हो ब्लिंकिंग, जैसे ब्लिंकिंग होगा आप समझ लो हमारा रिमोट सही तरह से वर्क कर रहा है, नहीं तो ब्लिंकिंग नहीं होगा तो समझ लो आप रिमोट वर्क नहीं करेगा, वो भी इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे IR सेंसर लगा हुआ है, IR सेंसर की सर्किट में आपको यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट DC सप्लाई देना है, यहाँ पे IR सेंसर है, IR सेंसर TSOP 1738 हमारा IR सेंसर है। तो यहाँ पे IR सेंसर 3 टर्मिनल है, इनपुट, बीच वाला ग्राउंड, ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे मैंने प्लस सप्लाई दे दिया है 5 वोल्ट यहाँ पे, और ग्राउंड दे दिया है 5 वोल्ट का, यहाँ पे ग्राउंड है, और 3rd नंबर हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट पिन यहाँ पे मैंने चेक करने की एक छोटी सी LED लगाई हुई है, आप देख सकते हो इसको, LED का एक टर्मिनल यहाँ पे लगाया है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे 5 वोल्ट में दे दिया है। ऐसी सर्किट मैंने यहाँ पे बनाई है, तो इस सर्किट को मैं प्रिपेयर करके आपको बताऊँगा। तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल में यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 3 टर्मिनल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये 3 टर्मिनल हमारा यहाँ पे लगा दिया है। और इसके साथ साथ देखेंगे हम अभी कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे ये 1st नंबर वाली इनपुट है, तो यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन यहाँ पे ये रेड वाला टर्मिनल देख सकते हो आप, रेड वाला टर्मिनल हमारा प्लस सप्लाई के लिए, तो यह इनपुट 1st नंबर की पिन जो मैंने यहाँ पे बताई थी जो सप्लाई देने के लिए, तो सप्लाई देने के लिए वो पिन मैं आपको
देखेंगे ये हमारी हमारी फर्स्ट नंबर की यहाँ पे प्लस सप्लाई, तो यहाँ पे ये नंबर हमारी पिन फर्स्ट नंबर सप्लाई की है। सप्लाई से यहाँ पे मीनिंग लगा के यहाँ पे मैं ये रेड कैप को सप्लाई दे दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास कनेक्टर है बैटरी का, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक एलईडी, जो एलईडी का मैंने यहाँ पे प्लस सप्लाई दिया है, प्लस सप्लाई मैंने एलईडी को भी यहाँ से दे दिया है। इसके साथ ये दोनों कनेक्शन प्लस में हो गए, जैसे ये इनपुट वाला कनेक्शन और एलईडी का कनेक्शन, वो आपको पता चल गया। इसके साथ यहाँ पे ग्राउंड है, तो यहाँ पे बीच वाला टर्मिनल हमारा ग्राउंड है। आप देख सकते हो ग्राउंड ग्राउंड टर्मिनल मैंने यहाँ से छोटी सी वायर की लिंक लगा के, आप देख सकते हो ये ऑरेंज वाला जो वायर है, वायर हमें यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट में आप थर्ड नंबर की पिन यहाँ पे देख सकते हो, हमारी आउटपुट पिन है। जैसे आउटपुट पिन थर्ड नंबर की पिन है, थर्ड नंबर की पिन यहाँ पे मैंने बैटरी का यहाँ पे माइनस टर्मिनल, यहाँ पे आउटपुट में एलईडी का माइनस टर्मिनल और यहाँ पे प्लस टर्मिनल मैंने एलईडी में दे दिया है। जैसे यहाँ पे एलईडी हो गए, अब इसको मैं सप्लाई देता हूँ। जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा, सप्लाई देने से आपको यहाँ से रिमोट से आप वर्क कर सकते हो, देख सकते हो। आप ऐसी सर्किट बना भी किसी की भी रिमोट आप टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे रिमोट वर्किंग कंडीशन में होगा तो यहाँ भी एलईडी ब्लिंक करेगी। एलईडी ब्लिंक क्यों करेगी, यहाँ पे इसका एक सेंसर लगा हुआ, आईआर सेंसर, आईआर सेंसर जो लगा हुआ, तो यहाँ पे जैसे ट्रांसमिट डेटा होगा तो ये हमारा आईआर सेंसर यहाँ पे रिसीव करेगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट थर्ड नंबर की पिन से आउटपुट एलईडी में मिलेगा, एलईडी ब्लिंक होगी। तो आपको समझ लो अपना रिमोट सही है। आप किसी भी रिमोट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का रिमोट हो, इसको आप चेक करने के लिए ऐसी छोटी सर्किट भी आप बना सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है। दोस्तों छोटा सी सर्किट मैंने बना के इस वीडियो में आपको बताया कि आईआर सेंसर कैसे काम करता है, वो कैसे आप घर पे भी बना सकते हो। छोटी सी सर्किट आप घर पे भी बना सकते हो, इसमें कुछ भी आपको 5 या 10-15 रुपये में आपको ये सर्किट पूरी बन जाएगी। जैसे आईआर सेंसर, एलईडी, यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हो। इसी तरह आप सर्किट बना के घर पे भी रिमोट टेस्टर बना सकते हो। इसके सारा किसी रिमोट को घर पे भी आप टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ मेरा छोटा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल क्लिक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।